नमस्कार साथियों, डिक्टेशन 80 शब्द प्रति मिनट की गति से बोली जाएगी। डिक्टेशन ठीक 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगी। स्टार्ट। प्रजातंत्र पद का प्रयोग आज जिस राजनीतिक अवधारणा के लिए किया जाता है, उस अवधारणा का मूल स्रोत यूनान ग्रीस है और वहां उसके लिए प्रचलित पद था डेमोक्रेसी, जिसका अर्थ होता है डेमो अर्थात जनता द्वारा शासन, विराम यहां जनता से अभिप्राय है। किसी देश या क्षेत्र अथवा कबीले की संपूर्ण जनसंख्या, विशेषकर वयस्क जनसंख्या, विराम संपूर्ण जनसंख्या एक तरह से व्यक्तिगत इकाइयों का एक संस्थागत रूप ग्रहण करती है। अर्थात प्रजातंत्र में हर एक प्रजा एक प्रशासनिक इकाई के रूप में स्वीकृत होती है। विराम यह सर्वविदित तथ्य है कि कोई भी दो व्यक्ति कभी भी प्राकृतिक या भौतिक रूप में एक से नहीं हो सकते, क्योंकि शारीरिक बनावट एवं मानसिकता की भिन्नता के साथ साथ सबकी जरूरतें एवं आकांक्षाएं भी भिन्न भिन्न होती हैं। विराम स्वाभाविक रूप से उनके दृष्टिकोण, धारणा, विश्वास एवं व्यवहार समान नहीं होते, परंतु फिर भी जनता का एवं जनता के द्वारा शासन का सिद्धांत एवं व्यवहार सर्वत्र दृष्टिगत होता है। विराम पैरा व्यवहारिक रूप में जनता से हमारा अभिप्राय होता है बहुसंख्यक जनता। विराम ऐसे में प्रजातंत्र में बहुसंख्यक जो निर्णय लेता है, सारी जनसंख्या उसका अनुपालन करती है। विराम परंतु इसका यह अर्थ कदापि नहीं होता कि बहुसंख्यक जो चाहे अल्पसंख्यक पर लाद दे विराम, बल्कि प्रजातंत्र का मुख्य उद्देश्य अल्पसंख्यकों के लिए संरक्षात्मक व्यवस्था कर उनके सहयोग से राजनीतिक व्यवस्था को पूर्ण प्रभावोत्पादक बनाना होता है। विराम अल्पसंख्यकों की भावना एवं विश्वास का आदर प्रजातांत्रिक मूल्यों का एक मुख्य बिंदु है। विराम वैसे इसके सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक पहलुओं में मतांतर की पर्याप्त संभावनाएं होती हैं। विराम पैरा प्रतिरोध को हमेशा निषेधात्मक रूप में ही नहीं लेना चाहिए, अपितु यह वर्तमान व्यवस्था संस्थाओं या प्रणालियों के बेहतर विकल्प सुझाने एवं उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाता है। विराम पूर्व सोवियत संघ के भूतपूर्व राष्ट्रपति बोरिस येल्सिन के विचार एक समय सोवियत संघ के प्रभावी एवं मजबूत समाजवादी तंत्र से अपने मतभेद के कारण ही प्रकाश में आए और फिर बेहतर विकल्प के रूप में स्वीकृत भी किए गए। विराम किसी भी स्वस्थ एवं क्रियाशील प्रजातंत्र में अल्पसंख्यकों की भावना का पूरा ध्यान रखा जाता है, भले ही निर्णय लेने वाले बहुसंख्यक हों। विराम विवाद एवं बहस न सिर्फ वातावरण में ताजगी पैदा करते हैं, अपितु समझौते की स्थिति भी लाने में ये सहायक होते हैं। विराम पैरा यदि असहमतियों के सकारात्मक पहलुओं का दमन कर दिया जाता है तो इसका परिणाम असंतोष एवं क्रोध के रूप में सामने आता है और इससे कभी भी स्थापित व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह की स्थिति भी पैदा हो जाती है। विराम अंततः क्रांति भी हो सकती है, जिसके अंतर्गत बड़े पैमाने पर हिंसा, खून खराबा और विध्वंस कुछ भी हो सकता है। विराम इसलिए असहमतियों के प्रति पूर्ण सहानुभूति आवश्यक है।
जो कि प्रजातांत्रिक मूल्यों के व्यापक हित में भी है, विराम पैरा। वैसे किसी भी चीज की अति बुरी होती है और यही बात प्रतिरोधों के साथ भी, चाहे वह प्रजातंत्र के प्रति हो या किसी अन्य व्यवस्था के प्रति, विराम ऐसे में हमेशा से विरोध की सीमा निर्धारित करने की वकालत की गई है, जो उचित भी है। विराम प्रजातंत्र में नागरिक कई प्रकार की स्वतंत्रताओं का उपभोग करते हैं, जिनमें अर्थोपार्जन, राजनीतिक, धार्मिक आदि किसी भी प्रकार की आस्था, अभिव्यक्ति, संगठन आदि की स्वतंत्रताएं प्रमुख हैं, विराम। परंतु इस प्रकार की व्यक्तिगत अथवा वर्गगत स्वतंत्रताओं का यह अर्थ नहीं है कि इनका प्रयोग दूसरों के व्यक्तिगत अथवा सामूहिक हितों या सामाजिक राष्ट्रीय हितों के खिलाफ किया जाए, जैसे फांसीवाद की विरोधी नीति या वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में स्थापित करने के प्रयास के नाम पर छूट दे देना कहीं से भी तर्कपूर्ण नहीं है, भले ही कुछ अच्छे खासे लोग इसके पक्ष में क्यों न खड़े हो जाएं, विराम। ऐसी असहमतियां अपना मानवीय धरातल ही खो चुकी होती हैं, विराम, क्योंकि प्रजातंत्र जनता के लिए है और इसलिए जो भी चीज जनता के हितों के खिलाफ चली जाएगी उसका प्रजातांत्रिक आधार ही समाप्त हो जाएगा और तब उस पर किसी भी प्रकार का विचार अनावश्यक समझा जाएगा, विराम। प्रजातंत्र के दुखद पहलुओं में जो एक सबसे महत्वपूर्ण पहलू है कि जो लोग प्रजातांत्रिक व्यवस्था की सुविधाओं का उपभोग सबसे ज़्यादा करते हैं वे ही अपने हितों के विरुद्ध कुछ भी होने पर व्यवस्था के प्रति सबसे अधिक विरोधी स्वर भी उठाने लगते हैं, विराम। धन्यवाद साथियों।